सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था कि जो लू फैंग था वो ऑलरेडी जुआयू माउंटेन के अंदर से एक बीस्ट को मार के फाइनली उसके बॉडी के अंदर से 30 बॉडीज़ को लेके जाता है। और क्योंकि लू फैंग एक बीस्ट को मार के लेके गया था जिसके पास कुल मिला के 30 बॉडीज़ थी, और वो जो बीस्ट था वो इस वक्त 9 स्मोक मार्स से था, तो वहाँ पे जितने भी बाकी के अलग अलग ट्रू गॉड्स होते हैं वो सारे के सारे लू फैंग के पीछे पड़ चुके थे। अब आगे हम लोग को एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर देखने के लिए मिलता है। वो एक दूसरे यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर की तरफ देखता है और से कहता है कि भूकाला उस लॉ मास्टरों को लेके आओ, और साथ ही साथ हमारे भाइयों की जितनी भी डेड बॉडीज़ हैं वो सारी डेड बॉडीज़ मुझे वापस चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी कीमत पे क्यों ना हो, चाहे तुम्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, उसके पीछे जाओ और उन वो सारी बॉडीज़ हमारे भाइयों की वापस से लेके आओ। हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था कि जो लू फैंग था वो अभी भी 9 स्मोक मार्च के अंदर ही था वो, और वो कंटिन्यूसली अपने डायरेक्शंस को चेंज किए जा रहा था ग्रासेस के अंदर, जिसके कारण उसके पीछे जितने भी लोग आ रहे थे उन लोगों को लू फैंग की एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। और इसी के साथ साथ जो लू फैंग था वो उड़ते वक्त अपनी जो रिपल्स थी वो भी काफ़ी कम कॉज कर रहा था, जिसके कारण जो पीछे वाले थे वो अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रहे थे कि लू फैंग कब और कौन से डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। वैसे तो लू फैंग इस वक्त लू फैंग के पीछे कुल मिला के 50 सुप्रीम यूनिवर्स मास्टर पड़े थे, मतलब आप समझ ही सकते हो कि एक यूनिवर्स मास्टर के पीछे 50 यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर, मतलब लू फैंग अभी किस सिचुएशन के अंदर होगा। उसके बाद भी लू फैंग बिना टेंशन के आराम से इन सब लोगों को चकमा दे के भाग रहा था। इसी लू फैंग को हमारे एस्केप किंग नहीं कहा जाता या फिर सर्वाइवल किंग। लेकिन लू फैंग फिलहाल तो इन 50 यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर को मार तो सकता था, लेकिन बस दिक्कत इतनी थी कि लू फैंग अभी इन सब लोगों से फाइट नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो एक सेकंड के लिए भी रुकता और इन लोगों से फाइट करने शुरू करता तो अगले मोमेंट के अंदर वो 500 से भी ज़्यादा ट्रू गॉड से घिर जाएगा। गाइस, यहाँ पे मिनिमम 10,000 से भी ज़्यादा यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर है पूरे के पूरे एरिया के अंदर, और लू फैंग अगर कुछ सेकंड्स भी बर्बाद करता है तो पता नहीं और कितने यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर ऐड ऑन हो जाएंगे। थॉट लू फैंग इस वक्त बोट ऑफ मिसिलियम के अंदर था, लेकिन इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं थी कि लू फैंग अपनी जान बचा पाएगा, इतने सारे यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स थे। इसी के साथ साथ हम लोगों को कैप्टन देखने के लिए मिल सकता था, जो कि उन स्ट्रेंज बीस के साथ वहाँ के ट्राइबल वॉरियर्स के तरफ भीस बना के लू फैंग का पीछे कर रहा था। लेकिन कैप्टन जानता था कि लू फैंग कितना ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए वो ऑलरेडी अपने लोगों को बुला चुका था। उसके जो 17 लोग थे वो उन सब लोगों को मैसेज भेज चुका था। वही जब उनके 17 लोगों को पता चलता है कि लू फैंग लिटरली इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसने एक ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर को भी मार दिया एक यूनिवर्स मास्टर होने के बावजूद, तो वो लिटरली सबके सब काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन वो सब लोगों ने भी इस चीज़ को नोटिस किया था कि कोई बंदा है जिसके पीछे काफ़ी सारे यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर पीछे पड़े हुए हैं, और वो अभी समझ चुके थे कि ये और कोई नहीं, ये वही नया वॉरियर मिल्की वे हॉडी लीडर है। कैप्टन जानता था कि लू फैंग के पास कुल मिला के इस वक्त 30 बॉडीज़ है, जिसका मतलब 3 लाख से भी ज़्यादा मिलिट्रिकल क्रेडिट्स, और इतने सारे मिलिट्रिकल क्रेडिट्स से आराम से जो लू फैंग था वो कोई ऑटोमन टाइप का काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और काफ़ी ज़्यादा तगड़ा ट्रू ट्रेजर हासिल कर सकता था। और अगर एक बार लू फैंग को ऐसा कोई पावरफुल ट्रेजर मिल जाता है तो डेफिनेटली लू फैंग की जो पावर थी वो अलग ही लेवल के ऊपर चली जाती। इसी के साथ हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था कि जो लू फैंग था वो जो कुछ वहाँ के ट्राइबल वॉरियर्स थे उन लोगों के बीच में जाके समेट जाता था, मतलब उन लोगों का बेस लेके उनके बीच में जाके बैठ चुका था। सो अगर जो जो जुआंगू माउंटेन के जितने भी वॉरियर उसका पीछे कर रहे थे वो सारे बीस्ट कभी भी लू फैंग का पीछे नहीं आएंगे, चाहे उनको अगर ये पता भी होगा कि लू फैंग उन्हीं ट्राइबल वॉरियर्स के बीच में, उसके बाद भी वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे कि वो उन ट्राइबल वॉरियर्स के साथ भिड़ जाएंगे। गाइज, ये जो ट्राइबल वॉरियर्स है आप लोग कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जो दो टीम्स पहले आपस में फाइट कर रही थी ऐसे ही समझ लो कि जो लू फैंग है वो दूसरे टीम्स के वॉरियर्स के साथ मिल चुका है, जिसके कारण भले इन लोगों की आपस में दुश्मनी चल रही थी और भले लू फैंग उनके अपोजिट टीम के बॉडीज़ को चुरा के लेके गया था, एक्चुअली गाइस ये दोनों अलग अलग टीम्स हैं तो दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। अगर लू फैंग दोनों की बॉडीज़ को उठा के भागता तो बात अलग थी, लेकिन लू फैंग ने वो जो बीस्ट वाली टीम थी उनकी टीम के अंदर से 30 बीस्ट की बॉडीज़ को चुरा के भागा था, तो फिलहाल बीस्ट वाली टीम लू फैंग का पीछे कर रही थी और लू फैंग इस वक्त ट्राइबल वॉरियर्स के बीच में घुस गया था। तो वो जो सारे के सारे ट्राइबल ट्रू गॉड्स थे वो जब इतने सारे स्ट्रेंज बीस्ट को उतनी तरफ आते हुए देखते तो वो उन सारे स्ट्रेंज बीस्ट के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो जो लू फैंग था वो उसे 9 स्मोक मार्च के अंदर 3 दिन का वक्त मिल जाता है। लू फैंग सोचते हैं कि जब तक ये वॉर है ये ख़त्म नहीं होता तब तक लू फैंग इसी वॉर के अंदर रहेगा, क्योंकि अगर लू फैंग यहाँ से बाहर जाता है तो डेफिनेटली उसे पकड़ने के लिए कोई ना कोई आ सकता था, और जिस टीम के अंदर इस वक्त लू फैंग था ट्राइबल वॉरियर वाली साइड
तो इस टीम के अंदर लू फेंग काफ़ी ज़्यादा सेफ था। रही बात उस फाइट की जो कि इन दोनों टीम्स के बीच में चल रही थी, तो लू फेंग इतना ज़्यादा पावरफुल तो था ही कि वो आराम से यहाँ पे सर्वाइव कर सकता था। मतलब वो बंदा जो कि आराम से 50 से भी ज़्यादा यूनियन सुप्रीम मास्टर को संभाल सकता है, क्या उसके लिए इस वॉर के अंदर सर्वाइव करना इतना ज़्यादा मुश्किल होगा? गाइस ये लू फेंग के लिए बच्चों वाला खेल था। लू फेंग आराम से अपना टाइम स्पेंड कर रहा था और वॉर को ख़त्म होने का वेट कर रहा था, और इसी कुछ टाइम के अंदर लू फेंग ने और भी काफ़ी सारे बीस्ट्स को मार दिया था। लेकिन उन्हें ट्राइबल वॉरियर्स के अंदर हम लोगों को एक और ट्राइबल वॉरियर देखने के लिए मिलता है। जब लू फेंग उस ट्राइबल वॉरियर की तरफ देखता है तो वो भी लू फेंग की तरफ एक स्ट्रेंज लुक के साथ देखता है। एकदम से वो कुछ लू फेंग को मैसेज पास करता है। लू फेंग को समझ जाता है कि ये जो ट्राइबल वॉरियर है ये कैप्टन की टीम से है और ये लू फेंग को कुछ बताना चाहता है। इसी के साथ वो जो बंदा होता है वो मिल्की वे की तरफ देखता है और कहता है कि मिल्की वे तुम्हें क्या लगता है कि तुम थोड़ा बहुत अपने लुक्स को चेंज कर लोगे तो हम लोग तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे? तुमने बस अपने बाल खुले छोड़ दिए और इस वक्त किसी जंगली फिल्म के मोगली की तरह घूम रहे हो, लेकिन तुम अगर मोगली बन जाओगे क्या तुम हम लोग तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे? तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन तुम्हारा जो ऑरा है वो हमेशा सेम ही रहेगा, और जैसे ही तुम हमारे थोड़े से भी क्लोज रहोगे हम तुम्हारे ऑरे से या फिर तुम्हारी गोल्डी पावर से आराम से पता लगा सकते हैं कि तुम कौन से हो। तभी लू फेंग उस बंदे की तरफ देखता है और कहता है कि यहाँ पे तुम अकेले तो नहीं होंगे? तभी वो बंदा कहता है हाँ कैप्टन और बाकी सब लोग भी जल्दी यहाँ पे आते होंगे। इसी के साथ वो वॉरियर कहता है कि मैंने तुम्हारी पावर्स को देखा है, डेफिनेटली तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इतने सारे ट्रू गॉड्स के ग्रुप के बीच में से तुम अकेले जिंदा बच के आ गए और अभी तक आराम से सर्वाइव कर रहे हो। डेफिनेटली मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं 1v1 तुम्हारे साथ हैंड टू हैंड बैटल कर सकूं, इसलिए काफ़ी सारे लोगों को मैं ऑलरेडी बुला चुका हूँ। इसी के साथ कुछ ही टाइम के अंदर काफ़ी सारे और वॉरियर्स यहाँ पे आ जाते हैं और वो सारे वॉरियर्स बारी बारी से लू फेंग की तारीफ कर रहे थे कि न्यू रिक्रूट मिल्की वे तुम सच्ची में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, जितना हमने सोचा था उससे कहीं गुना ज़्यादा, तुम इंडीड काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हो, चलो हम तुम्हें एक्सेप्ट करते हैं अपनी टीम के अंदर, तुम हम में से एक बन सकते हो। इस वक्त जो कैप्टन था वो भी लू फेंग की तरफ एक नए लुक से देख रहा था। पहले वो लू फेंग को एक नाकारा और निकम्मा वॉरियर समझता था या फिर एक बिगिनर समझता था, लेकिन अभी डेफिनेटली लू फेंग की तरफ देखने का उसका नज़रिया बदल चुका था पूरी तरीके से। इसके बाद वो जो कैप्टन होता है वो लू फेंग की तरफ देखता है और कहता है कि प्रीवियसली हम सब लोगों ने तुम्हें इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया था कि क्योंकि तुम एक न्यू रिक्रूट थे और तुम काफ़ी ज़्यादा वीक थे, और लेकिन अभी तुमने अपनी पावर दिखा के अपनी जो पोजीशन है वो हम सब लोगों के अंदर सिक्योर कर ली है। अगर तुम हम सब लोगों को वो सारे जो ट्रू गॉड्स के कॉप्स है मतलब वो जो डेड बॉडी तुमने कलेक्ट किया है वो हम सब लोगों के साथ शेयर करने के लिए तैयार होते हो तो हम तुम्हें अपने में से एक पोजीशन दे सकते हैं, और यही तुम्हारी लॉयल्टी का सबसे बड़ा प्रूफ होगा कि तुम हम सब लोगों की मदद करोगे, और इन सब चीज़ों के लिए मैं इवन तुम्हें अपनी पोजीशन ऑफर करने के लिए भी तैयार हूँ। मतलब वो जो कैप्टन था वो लू फेंग को अपनी टीम का कैप्टन वाली पोजीशन ऑफर करने के लिए भी तैयार हो गया था। बस लू फेंग को करना ये था कि अपने साथ जो उसके पास इतने सारे कॉप्स थे उसके अंदर से कुछ कॉप्स की बॉडी लोगों के साथ शेयर करनी थी। इसी के साथ सब लोग कहने लग जाते हैं हाँ मिल्की वे अगर तुम हम लोगों की मदद करते हो और हमें एक चांस देते हो सर्वाइवल के लिए तो डेफिनेटली हम तुम्हारे लिए बहुत बड़े एहसानमंद रहेंगे और हम सब लोग तुम्हें अपना नया कैप्टन रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार है और तुम्हें लाइफ टाइम सर्व करने के लिए भी तैयार है। लू फेंग सब लोगों की तरफ देखता है और स्माइल करता है। इसी के बाद एक डिफरेंस एक्सप्रेशन के साथ वो देखते हुए कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, लेकिन तुम लोग जियो या मरो इस चीज़ से मुझे क्या मतलब? जैसे ही लू फेंग ने ये लाइन बोली यहाँ पे जितने भी लोग थे जितने भी वॉरियर्स थे वो सब लोग लू फेंग की तरफ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देखने लग जाते हैं। इसी के बाद जो लू फेंग होता है वो अपना एक भाषण देना शुरू करता है। वो कहता है कि जब तक मैं एक न्यू रिक्रूट था तब तक मेरी सर्वाइवल के बारे में किसी को कोई पड़ी नहीं थी, अभी जब मैंने अपनी पावर शो कर दी जब मैंने अपनी पोजीशन शो कर दी तो तुम सब लोग मेरे पास आ गए। तुम किस तरीके की फ्रेंडशिप की बात कर रहे हो? इस फ्रेंडशिप की जो कि अभी तुम्हारी जान पे आई तब तुम मेरे से करना चाहते हो? डेफिनेटली मुझे कोई परवाह नहीं है, ना ही मुझे कैप्टन बनने का शौक है, ना ही मुझे किसी को दोस्त बनाने का शौक है, ये सब मजाक है, ये सारा एक्चुअल में एक क्रूअल प्रोसेस है, ये ब्रूटल आर्मी सिलेक्शन प्रोसेस है जिसके मदद से काफ़ी सारे वॉरियर्स अपने आप की स्किल्स को बढ़ाते हैं, जो डेफिनेटली स्ट्रांग होंगे वो लोग इन सारे मिशंस को कंप्लीट करके अपनी पोजीशन को सिक्योर रखेंगे और अपनी जान को भी, और जो वीक होंगे उनका आज नहीं तो कल मरना तो तय ही है। डेफिनेटली इन सब में से जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा वही सबसे ज़्यादा जी पाएगा, उसी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर मेरे को इतने सारे बेनिफिट्स मिलने ही वाले तो मैं तुम्हारा कैप्टन बन के क्या करूँगा? मुझे क्या परवाह है तुम लोगों की, इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा? ऐसे लू फेंग ने ये सारी चीज़ें बताई थी, वो सारे के सारे जो 18 वॉरियर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लू फेंग की तरफ देखने लग जाते, इवन थॉट कैप्टन भी। तभी जो कैप्टन होता है वो गुस्से में कहता है कि मिल्की वे तुम अपने आप को समझते क्या हो करके,
वहाँ पे जितने भी वो 50 ट्रू गॉड्स हैं, मतलब जो यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स है, वो ऑलरेडी तुम्हें कैप्चर करना चाहते हैं, और उन्हें तुम्हारी लोकेशन के बारे में भी पता है कि तुम जुआयू माउंटेन के लॉ मास्टर्स के बैटल फील्ड के अंदर हो इस वक्त। लेकिन उन लोगों ने तुम्हारे ऊपर एक पक्की नज़र रखी हुई है, क्योंकि वो यहाँ पे अंदर नहीं आ सकते। लेकिन अगर हमने तुम्हारी पोजीशन उनको एक्सपोज कर दी तो तुम डेफिनेटली यहाँ पे फंस जाओगे। जैसे ही लूफेंग इन सारी चीज़ों को सुनता है, वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। तभी वो कैप्टन बोलता है कि जैसे ही उन ट्रू गॉड्स को पता चलेगा, एक सिंगल कमांड के साथ काफ़ी सारे मल्टीपल लॉ मास्टर्स और ट्रू गॉड्स नाइन स्मोक मार्च के तुम सब लोग सराउंड कर लेंगे, तुम्हें घेर लेंगे, उसके बाद तुम्हारा जिंदा बचना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी मतलब ज़्यादा मतलब ही बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर ये वॉरियर्स लूफेंग की तरफ देखता है और उसे कहता है कि देखो, इस बार हमारे जो सर्वाइवल के मिशन जो दिया गया है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, और डेफिनेटली हमारे जो होप्स है सर्वाइवल के वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। सो अगर तुम इसी तरीके से हम लोगों को परेशान करते रहो और हमें फोर्स करते रहे, तो डेफिनेटली हमारे पास मरने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। लेकिन हम मरेंगे ही मरेंगे, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। इसी के साथ लूफेंग उन लोगों की तरफ देखता है और कहता है, अच्छा तो तुम सब लोग मरना चाहते हो, चलो कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मरने के लिए तैयार हो, लेकिन तुम्हें मरना है तो तुम मर सकते हो। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं यहाँ से 35 ट्रू गॉड्स के कॉप्स को लेके मिलिट्री कैंप के अंदर जा रहा हूँ। इसके बाद लूफेंग घूमता है और एक जोर की धाड़ के साथ एकदम से जो लूफेंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से एक लाइट की बीम बन जाता है और यहाँ से भागने लग जाता है। और भागते भागते अपने आसपास के जो बाकी के वॉरियर जो फाइट कर रहे थे, जो कि कैप्टन के लोग नहीं थे, नाइन स्मोक मार्च वालों को कहता है कि किल दोज बास्टर्ड, मतलब उन बास्टर्ड्स को मारो, वो नाइन स्मोक मार्च से है। और इसी के साथ वहाँ पे जितने भी ट्राइबल लोग होता है वो कैप्टन और बाकी सब लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। इसी के साथ साथ वो जितने भी लोग थे वो पूरी तरीके से शॉक हो चुके थे, उनको भरोसा नहीं हो रहा था कि लूफेंग कुछ इस तरीके से उन लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाएगा और उन्हीं का वादा उन्हीं पर पलट देगा। इसी के साथ साथ वहाँ पे जितने भी वो सारे कैप्टन और कैप्टन के लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से अपने एक्शंस को दिखाने लग जाते हैं और वो यहाँ से जैसे तैसे करके भागने लग जाते हैं और लूफेंग का पीछे करने लग जाते हैं। गाइस ये सब लोग अभी लॉ मास्टर की फील्ड्स के अंदर थे, तो डेफिनेटली यहाँ पे इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स नहीं है। सो यहाँ पे वैसे तो ये सब लोग भी लॉ मास्टर्स ही है, लेकिन ये सब लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लॉ मास्टर्स है, तो इनका मरना इतना आसान नहीं है। फिर भी अगर इनमें से कोई मरता है तो डेफिनेटली वो काफ़ी ज़्यादा वीक होगा। इसी के साथ लूफेंग ने सेकंड एक्सटर्मिनेशन वॉल्यूम को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर दिया था, जिसके कारण लूफेंग की स्पीड और भी ज़्यादा तेज़ हो गई थी। लूफेंग पीछे की तरफ देखता है और कहता है, अच्छा तो तुम मेरा पीछा करना चाहते हो, आ जाओ मैं भी देखता हूँ कि तुम कितने ज़्यादा तेज़ हो। इन जो कैप्टन था वो काफ़ी अच्छी तरीके से जानता था कि जो लूफेंग है वो इस वक्त भागने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा, क्योंकि डेफिनेटली वो लूफेंग की पावर्स को देख चुका था कि अगर लूफेंग ट्रू गॉड को मार सकता है तो डेफिनेटली वो इन 18 के 18 लोगों को एक साथ संभाल सकता है, क्योंकि इन लोगों की औकात ही क्या है, ये तो यूनिवर्स मास्टर है। लूफेंग का एक ही अटैक काफ़ी इन सब लोगों के लिए, लेकिन लूफेंग इस वक्त इन लोगों के साथ एक तो खेल रहा है या फिर उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। जब लूफेंग भाग रहा था तो अचानक से जो कैप्टन होता है वो लूफेंग को जैसे तैसे करके पकड़ लेता है और एकदम से वो अपने दोनों हैमर्स को जोर से बजाता है, धूम धूम, और इसी के साथ एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आग क्रिएट होता है। और इसी के साथ साथ उसका जो हैमर था, उसके हैमर के अंदर दो रेड कलर के रिबिन्स बनी हुई थी, वो रिबिन्स एकदम से छूट के एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ब्लेड की तरह घूमने लग जाते हैं और उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ड्रैग कलर का ऑरा निकलने लग जाता है। जब लूफेंग इन सारी चीज़ों को देखता है तो डेफिनेटली वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। लूफेंग समझ चुका था ये किसी ऑटोमैन टाइप का ट्रू ट्रेजर, और वो कैप्टन की पावर्स को देख के भी काफी ज्यादा शॉक था। डेफिनेटली लूफेंग जानता नहीं था कि उसे कैप्टन को हराने के लिए कितना ज्यादा टाइम लगेगा, और लूफेंग कैप्टन के वो जो बड़े बड़े हथौड़े थे उन हथौड़ों को भी चाहता था, क्योंकि डेफिनेटली वो ऑटोमैन टाइप का ट्रू ट्रेजर था, तो लूफेंग इन सारी चीज़ों से क्यों नहीं अट्रैक्ट होगा। लेकिन बस लूफेंग की दिक्कत इतनी थी कि लूफेंग सोच रहा था अगर वो कैप्टन के साथ फाइट के अंदर इन्वॉल्व होता है तो उसे डेफिनेटली ये तो नहीं पता था कि उसे कितना टाइम उसे हराने में लगेगा, और अगर उसे ज़्यादा टाइम लग जाता है या फिर आसपास के वो सारे जो ट्रू गॉड्स थे जो कि लूफेंग के ऊपर अभी नज़र बनाए रखे हुए थे, गलती से भी लूफेंग अगर उनके थ्रू एक्सपोज हो गए लूफेंग की आइडेंटिटी, तो डेफिनेटली इतने सारे ट्रू गॉड एक साथ लूफेंग के ऊपर अटैक कर देंगे और फिर डेफिनेटली लूफेंग के लिए काफ़ी बड़ी मुश्किल हो सकती थी। इसी के साथ साथ वो जो कैप्टन था उसके बैक के ऊपर ब्लड क्लाउड विंग्स भी थे, वो सब लोग कैप्टन की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि कैप्टन आपके जो ब्लड क्लाउड विंग्स है वो सच्ची में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, करके इसके अंदर कितनी ज़्यादा पावरफुल रिस्ट्रेनिंग पावर्स है, ये एक्सट्रीमली शार्प और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो और इसे भागने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ कैप्टन के साथ जितने भी लोग थे वो सारे कैप्टन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे, और इसके साथ साथ जो कैप्टन के ब्लैक कलर के हथौड़े थे और हथौड़ों के ऊपर जो रिबन्स थी उनके अंदर से
तो और भी ज्यादा भयानक पावर देखने के लिए मिल सकती थी। इसी के साथ हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था कि वो जो कैप्टन था, कैप्टन ने अपने हथौड़ों के अंदर से वो रेड कलर की रिबन निकाली थी, और जो लू फेंग की बैटल शिप थी, मतलब लू फेंग इस वक्त बोटम मेसिलियम के अंदर उड़ते हुए भाग रहा था, तो उसकी बोटम मेसिलियम की पूछ को पकड़ लेता है और उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। लेकिन बोटम मेसिलियम की इतनी ज्यादा भयानक पावर थी कि बोटम मेसिलियम उस कैप्टन को वहां से घसीटते हुए लेके जा रही थी। कैप्टन पूरी तरह से शॉक हो चुका था कि ये जो बैटल शिप है इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है करके। इवन थॉट उसके पास जो उसके विंग्स है वो एक ऑटोमन टाइप का टूट रह जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो लू फेंग को हरा नहीं पा रहा, और वो जो शिप है वो किस टाइप की शिप है जो कि उसको इस तरीके से खींचते हुए लेके जा रही है। ये कैप्टन के दिमाग के अंदर बुद्धि है कि बुद्धि के अंदर खोपड़ी है, इसे डेफिनेटली बोटम मेसिलियम के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर पता होता तो आज ये लू फेंग के साथ उंगली करने की कोई कोशिश नहीं करता। इसी के साथ जो लू फेंग था उसने कहीं ना कहीं अपने पीछे कैप्टन को टंगा लिया था और उसे घसीटते हुए चारों तरफ पूरे आसमान के चक्कर काट रहा था। वो कैप्टन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लू फेंग की तरफ देखते हुए उसे कहता है कि रोको, अभी के अभी रोको, न तो तुम देखना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वही लू फेंग हंसता है जोर जोर से और कहता है चलो देखते हैं कि कौन मरता है, चलो मुझे अपने पुराने दोस्तों से मिलने का मन कर रहा है, वो जो ट्रू गॉड जो कि मेरे पीछे पड़े थे, चलो उनको एक बार देख के आते हैं। इसी के साथ देखते हैं कि वो मेरे को पकड़ते हैं कि वो तुम्हें पकड़ते हैं, क्योंकि लू फेंग अभी वो बोटम मेसिलियम के अंदर था और लू फेंग के बोटम मेसिलियम के पीछे वो जो कैप्टन था उसकी रिबिन बंधी हुई थी और वो एक तरीके से अटक सी गई थी, और लू फेंग इतनी ज़्यादा तेज़ी से उड़ रहा था कि कैप्टन उस रिबिन को छुड़वा भी नहीं पा रहा था, जिसके कारण लू को जो कैप्टन था वो घसीटते हुए जा रहा था बोटम मेसिलियम के साथ, और इस वक्त लू फेंग वापस से ट्रू गॉड्स की एरिया के अंदर जा रहा था। इसी के बाद वो जो कैप्टन होता है वो लू फेंग की तरफ देखता है और कहता है कि तुम सच्ची में काफ़ी ज़्यादा संकी हो, तुम्हारे जैसे संकी इंसान मैंने अपने ज़िंदगी में नहीं देखा। कैप्टन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन चलो उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, वो जैसे तैसे करके अपने रिबिन्स को बाहर निकालता है और उस शिप का पीछा छोड़ देता है और अपनी ग्रिप को भी लूज़ कर देता है। वो कहता है कि तुम इतना ज़्यादा स्पेशल कैसे हो सकते हो करके, तुम्हारे पास वो ऑटोमन टाइप का ब्लेड तो था ही था, तुम्हारे पास एक ऑटोमन टाइप की बैटल शिप भी है जिसका ड्राइविंग फोर्स सच्ची में इतना ज़्यादा पावरफुल है, तुम्हारी बैटलशिप का ड्राइविंग फोर्स लिटरली इतना ज़्यादा पावरफुल है, इवन थॉट मेरे जो ऑटोमन टाइप के ब्लड क्लाउड विंग्स है उसके ऊपर 1% का भी फर्क नहीं पड़ रहा। लिटरली ये क्या ऑटोमन टाइप की शिप है या फिर इससे भी ज़्यादा कोई ज़्यादा पावरफुल शिप है। इसी के साथ जो कैप्टन होता है वो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम अभी बच गए, लेकिन तुम कितने बार बचोगे, तुम हर बार तो नहीं बच सकते। इसी के बाद चीन शिफ्ट होता हम लोग को देखने के लिए मिलता है, जो जुआंगू माउंटेन के लोग होते हैं वो नाइन स्मोक मार्च वाले आर्मीज के ऊपर अटैक कर देते और कहते हैं उन मास्टर्स को मारो, वो हमसे हमारी पावर देखना चाहते थे। इसी के साथ इन लोगों का जो वॉर होता है वो कंटिन्यू रहता है। वही हम लोगों को नाइन स्मोक मार्च के आर्मी के अंदर गोल्डन हॉर्न बीस्ट देखने के लिए मिलता है, ये लू फेंग था, लू फेंग इस वक्त गोल्डन हॉर्न बीस्ट के अंदर था। भले इंसानों का और गोल्डन हॉर्न बीस्ट का अलग अलग ऑरा होता है, लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर जो लोग होते हैं उन लोगों के पास मल्टीपल बॉडीज नहीं होती, तो कोई भी गलती से भी ऐसा नहीं सोच सकता कि किसी पर्सन के पास मल्टीपल बॉडी है और उसके पास दो दो ऑराज है। और एक लॉ मास्टर तो ये भी नहीं पहचान पाएगा कि लू फेंग से निकलने वाला ऑरा जो है वो एक बीस्ट का है ना कि एक ह्यूमन का। इसी के साथ साथ वो जो कैप्टन और उसके लोग थे वो सोचते हैं कि उस बंदे के पास दो दो मशीन टाइप के वैल्यूएबल्स है, वो जो बोट है वो एक ट्रू गॉड लेवल की हाई लेवल की मशीन टाइप वैल्यूएबल है जिसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर है। ये जो बंदा है ये अभी अभी नया नया आया है, इस लॉ मास्टर के पास इतने सारे ट्रेजर तो नहीं होने चाहिए थे। जो आर्मी है वो सच्ची में इसके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचती है, लेकिन इन लोगों को पता ही नहीं कि जो लू फेंग है वो आर्मी से बिलोंग ही नहीं करता। अपना लू फेंग तो बाहर से, मतलब अपना लू फेंग परदेसी है, बाहर से यूनिवर्सेशन से यहाँ पे आया है। जो 6 ट्रू गॉड ऑफ वाइड स्पेस थे जो कि ऊपर के साइड फाइट कर रहे थे आपस में, वो लोग भी लू फेंग को देख रहे थे और वो लू फेंग के दोनों पावरफुल ट्रेजर्स को भी देख चुके थे, मतलब लू फेंग के ब्लेड को भी देख चुके थे और लू फेंग के ऑटोमन टाइप की शिप को भी, मतलब बोट ऑफ मेसिलियम को भी। और डेफिनेटली वो लोग भी लू फेंग के बारे में यही सोचते कि जो लू फेंग है वो बस एक लॉ मास्टर है, उसके बाद भी उसके पास इतने सारे मशीन टाइप के वैल्यूएबल्स है। डेफिनेटली जो आर्मी है वो लू फेंग के बारे में काफ़ी कुछ सोचती होगी और वो लू फेंग को काफ़ी ज़्यादा फेवर करती होगी। लू फेंग जरूर एक स्पेशल सोल्जर होगा आर्मी का जिसके वजह से उसके पास इतना कुछ है। और साथ ही साथ उन लोगों ने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो लू फेंग है या फिर ये जो भी है ये टैलेंटेड सोल्जर, इसके पास दो दो बॉडीज होगी, एक गोल्डन हॉर्न बीस्ट की भी बॉडी, मतलब लिटरली ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। और वो जो 6 ट्रू गॉड ऑफ वॉइड स्पेस जो कि ऊपर फाइट कर रहे थे वो सच्ची में इन सब चीज़ों को जानने के बाद पूरी तरीके से शॉक थे, क्योंकि जो ट्रू गॉड ऑफ वॉइड स्पेस है यहाँ पे जितनी भी फाइट हो रही है ये सब इनके स्पेसेस के अंदर हो रही है, तो डेफिनेटली इन लोगों को सब कुछ पता है कि किस कोने में क्या हो रहा है।
ये बात अलग है कि अभी ये लू फेंग से फाइट करने नहीं जा रहे, क्योंकि डेफिनेटली ये कभी जाने भी नहीं वाले, क्योंकि कहा लू फेंग एक लॉ मास्टर है और ये ट्रू गॉड ऑफ वॉइड स्पेस है। इन दोनों के पावर लेवल का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। अगर इनमें से एक भी आ गया तो लू फेंग का सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपने रेयरली देखा होगा कि एक शेर कभी चूहे के पीछे पड़ता है। शेर को अगर भूख लगी होती तो वो हिरन को पकड़ेगा, वो चूहे को क्यों पकड़ेगा। सो सेम इसके साथ थे, ये अपने पावर लेवल से इतने तक कमज़ोर बंदे के ऊपर कैसे अटैक कर सकते थे। डेफिनेटली वो कमज़ोर बंदा कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन फिर भी। और साथ ही साथ गाइस, वर्ल्ड ऑफ जिन के और भी काफ़ी सारे हिडन रूल्स थे, जिसके कारण मे बी ये लोग लू फेंग के ऊपर अटैक नहीं कर सकते थे। और उन सारे रूल्स के बारे में तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये लोग लू फेंग के ऊपर अटैक नहीं कर रहे थे तो ऐसे भी कुछ रूल्स होंगे जिसके अंदर कोई भी बंदा अपने से कमज़ोर के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। इसी तरीके से गाइस, वक्त बीतते रहता है और महीने बीत जाते हैं। ये जो वॉर था ये डेफिनेटली ख़त्म होने के तदार के ऊपर आ चुका था। वही कैप्टन अपने लोगों के साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, जो कि अपने लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। उन लोगों की तरफ देखता है और उन्हें कहता है कि तुम अभी तक उस बंदे को ढूंढ क्यों नहीं पाए, क्या तुमने ट्राइबल वॉरियर जुआयू माउंटेन्स के हर एक वॉरियर को अच्छे से देखा, वो उन्हीं में से एक होगा करके। लेकिन वो सब लोग हाँ के अंदर मुंडे हिलाते हैं, वो कहते हैं कि हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, काफ़ी ज़्यादा ढूंढा, लेकिन उनमें से कोई भी लू फेंग को नहीं ढूंढ पाया। आखिर ढूंढेंगे भी कैसे, लू फेंग इस वक्त अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट वाले बॉडी के अंदर है और इनमें से किसी को भी नहीं पता कि लू फेंग के पास गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी भी है। मतलब कैप्टर और इन लोगों को नहीं पता, बाकी यहाँ पे जो ऊपर के जो हमारे भगवान है, मतलब जो ट्रू गॉड ऑफ वाइट स्पेस जो कि ऊपर फाइट कर रहे थे, उन लोगों को तो सब कुछ पता है बैटलफील्ड के बारे में। इसी के साथ वहाँ पे कोई भी कैप्टन के अलावा वहाँ पे जितने भी लोग थे उनमें से कोई भी लू फेंग को नहीं देख पाया था, लेकिन कैप्टन बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि जो लू फेंग है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और वो इतना आसानी से इनमें से किसी के भी हाथों में नहीं आने वाला। इवन थॉट कैप्टन की औकात नहीं थी लू फेंग से फाइट करने की, तो उसके ये भाड़े के चमचे ये क्या ही उखाड़ लेंगे उसका। इसीलिए जो कैप्टन होता है वो अपने लोगों को कहता है कि मुझे नहीं पता, तुम चाहे कुछ भी करो, तुम्हें ज़मीन खोजनी पड़े कि आसमान निकलना पड़े, उस बंदे को ढूंढ के लाओ, वरना तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे हाथों के अंदर नहीं होगी और तुम ही लोग मरोगे। इसी के बाद जो कैप्टन होता है वो थोड़ा सा सोचता है, फिर वो सोचता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे बाकी के दो टीम्स की मदद लेनी पड़ेगी, मतलब कूफू की टीम और येलुआ की टीम। इन दोनों के साथ वैसे तो कैप्टन की कभी नहीं बनती थी, लेकिन फाइनली अब इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रह गया था। ये बाकी के दो टीम्स को भी बताने वाला था कि जो लू फेंग है उसके पास 30 से ज़्यादा ट्रू गॉड मतलब यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स की बॉडी है और वो इस वक्त 9 स्मोक मार्च के अंदर छुपा हुआ है। डेफिनेटली अगर किसी को भी ये चीज़ पता चलेगी तो सबके सब लू फेंग के पीछे ही पागल कुत्ते की तरह भागेंगे। इसी के साथ कैप्टन ये न्यूज़ फैला देता है, उनमें से किसी को भी बिलीव नहीं हो रहा था बाकी के टू टीम्स को, लेकिन कैप्टन उन टीम्स की तरफ बस यही मैसेज भेजता है कि तुम्हें भरोसा करना है या नहीं करना है ये तुम्हारे ऊपर है। मैं लिटरली उसे काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से चेस कर रहा हूँ और ये जो बंदा ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है हाइड करने में और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है करके। इसी के साथ जो यूला होता है वो कहता है कि हम लोगों के पास अभी बस 20,000 के करीब वेपन और आर्मर है, जिसके कारण हम में से बस दो लोग जो है वो टास्क को फिनिश कर पाएंगे। और ऐसा लगता है कि ये जो जुआयू माउंटेन और 9th स्मोक मार्च का बैटल है ये भी ख़त्म होने वाला है और ये अभी धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा लेस टेंस होते जा रहे हैं, मतलब वो ख़त्म ही होने वाला था। काफ़ी कम लोग अभी फाइट कर रहे थे, जो स्टार्टिंग में वहाँ पे माहौल बना हुआ था फाइट का वो माहौल अभी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट सा हो चुका था। मतलब ये जो वॉर है ये कभी भी ख़त्म होने के तदार पर आ चुका था और अभी तक इन लोगों को अभी भी काफ़ी सारे पॉइंट्स की ज़रूरत थी, तो लू फेंग से अच्छा ऑप्शन उनको कोई दूसरा नहीं मिल सकता था। इसी के साथ वो सब लोग इनका कैप्टन की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सबके सब लू फेंग के पीछे भागने के लिए शुरू हो जाते हैं। ऐसे तो ये जो कूफा था ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और लू फेंग की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था और काफ़ी ज़्यादा हैम्बल और जेंटल भी था, लेकिन जब जिंदगी और मौत के ऊपर आ जाए तो गाइस हर कोई अपने रंग दिखा सकता है। इस वक्त लू फेंग के साथ जितने भी सोल्जर्स आए थे 59 वो सबके सब इस वक्त लू फेंग को ही ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें लू फेंग कहीं पे भी नहीं मिल रहा था क्योंकि लू फेंग तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट के अंदर बदला हुआ था। जो लू फेंग था इस वक्त वो आसपास की सारी की सारी सिचुएशन को देख रहा था। अभी तक जो लू फेंग था उसने कूफा और बाकी सारे सोल्जर्स को काफ़ी बार देखा था, इवन टॉट लू फेंग ने वो ही को 2 बार देख लिया था, लेकिन वो उसको देख के भी अनदेखा कर रहा था। लू फेंग कह रहा था उसकी तरफ देखते हुए मन ही मन बस इतना ही कि अगर तुम मेरे साथ इस वक्त होते तो डेफिनेटली एक दोस्त की कमी पूरी हो जाती, तुम ही एक वो पर्सन थे जो मेरे साथ आर्मी के अंदर भर्ती हुए थे और मेरे दोस्त बने थे, सबसे ज़्यादा मेरे क्लोज आए थे, लेकिन तुम्हें मेरे ऊपर कभी भरोसा था ही नहीं, तुम हमेशा अपने मतलब के लिए मेरे पीछे करते थे और इसीलिए आज तुम्हारी ये हालत है। गोल्डन हॉर्न बीस्ट था वो इस वक्त एक स्वैम्प के अंदर था, स्वैम्प का मतलब होता है एक दलदल, उसकी दलदल के अंदर लू फेंग की गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी ऐसे एकदम एक सुअर की तरह लेटी हुई थी
और लगभग लगभग वो वहीं पे आराम से बैठ के आराम फरमा रहा था। इसी के साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो जो फाइट थी वो भी फाइनली ख़त्म होने में आ गई थी। ना ही स्ट्रेंज बीस्ट और ना ही ट्राइबल वॉरियर्स, दोनों के दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए अभी तैयार नहीं थे, तो दोनों के दोनों रिट्रीट कर चुके थे। वही जो लूफे आराम से सो रहा था, फाइनली काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम के बाद एक सोल्जर जो होता है वो मिल्की वे से कॉन्टैक्ट करता है। ये और कोई नहीं है, वो ही था, वो लू फेंग के हो रहे को पहचानता था। वो लू फेंग से कहता है, मिल्की वे ये मैं हूँ, वी ही तुम्हारा दोस्त। लू फेंग कहता, अच्छा वो ही, अच्छा तो तुम्हारे इनफ मिलिट्रीबल पॉइंट्स गेन कर लिए। इसी के बाद वो कहता है कि नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए 10,000 मिलिट्रिकल पॉइंट्स गेन करना। वो लू फेंग का भरोसा जीतने के लिए लू फेंग से कहता है कि मुझे अभी भी सुनने के लिए मिला है कि जो कैप्टन है उसने कूफा और यूलाओ को बता लिया है, और सारे के सारे जो सोल्जर्स है वो तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने उन सारे ट्रू गॉड्स को भी बता दिया है। तो सब के सब मिल के तुम्हारे से वो सारे से सारी ट्रू गॉड्स की बॉडी चाहते हैं एक्सक्लूडिंग मी। उनको लगता है कि मैं उनके साथ हूँ, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इसी के साथ जब ये लू फेंग को अपने आप का दोस्त बताता है, लू फेंग उसकी तरफ दिखता है और कहता है, अच्छा सच्ची में तू मेरा दोस्त है। इसी के बाद वो ही लू फेंग की तरफ देखता है और कहता है कि मिल्की वे हम लोग पाइथन रिवर आर्मी के अंदर साथ में आए थे, हम दोनों के दोनों न्यू सोल्जर्स थे, हम दोनों के पास मिलिट्री क्रेडिट्स नहीं थे, लेकिन अभी हम लोगों के पास सब कुछ है, हमारे पास ट्रू गॉड्स की बॉडी भी है। और रही बात तुम्हारे पास, क्योंकि तुमने इतनी सारी मेहनत की है, तो मैं बस दोस्ती के नाम पे तुम्हें लूटना नहीं चाहता, तो मैं डेफिनेटली उन ट्रू गॉड्स की बॉडी के बदले तुम्हें वैल्यूएबल्स भी दे सकता हूँ, हम एक्सचेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं तुम्हें एक ट्रू गॉड आर्मर देने के लिए भी तैयार हूँ, बस मुझे कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स दे दो, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स। ऐसे तो जो लू फेंग था वो अभी भी न्यू सोल्जर था, और लू फेंग के लिए अभी इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था कोई ट्रू गॉड आर्मर लेना अपने ट्रू गॉड बॉडी के लिए। लेकिन लू फेंग सोचता है, चलो ठीक है ये दोस्त है तो क्या ही बात करे। वो पहले थोड़ा सा अकड़ता है और दिखाता है कि एक्सचेंज ये सब मैं अभी यहाँ पे नहीं कर सकता, तो वो कहता है कि हम लोग बाद में इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे, फिलहाल तो यहाँ पे मैं कोई भी ट्रेड नहीं करने वाला। वही भी लू फेंग के हाथ के अंदर हाथ लाते हुए कहता है कि चलो ठीक है, हम लोग यहाँ से सबसे पहले वेपन्स और बाकी सारी चीज़ें कलेक्ट कर लेते हैं, तो इसके बाद हम लोग कैंप के अंदर वापस चले जाएंगे, एक बार हम लोग वहाँ पर पहुँच जाए उसके बाद हम लोग ये सारी चीज़ें करेंगे। लू फेंग वही से ट्रेड करने के लिए इसलिए मान गया था क्योंकि लू फेंग जानता था कि जो वही है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल कैंडिडेट और एक एलाइट कैंडिडेट है, और वो जो नॉर्थन ओशन है उसका बेटा है, सो डेफिनेटली इस पर्सन के पास काफ़ी सारी चीज़ें होगी जो कि लू फेंग ले सकता है। तो इसलिए लू फेंग इस बंदे के साथ ट्रेड करने के लिए माना था, और क्योंकि अभी लू फेंग के पास 30 से भी ज़्यादा ट्रू गॉड्स की बॉडी है, तो लू फेंग इसको एक ट्रू गॉड के बदले भी काफ़ी कुछ ब्लैकमेल करके ले सकता था। मतलब देगा एक ट्रू गॉड की बॉडी, लेकिन उसके बदले में 6-7 सुप्रीम ट्रू ट्रेजर ले लेगा, ऐसा कुछ लू फेंग के दिमाग के अंदर चल रहा था। डेफिनेटली लू फेंग ये सारी चीज़ें पहले नहीं करने वाला था, लेकिन अभी ये जो हुई है उसने उसको बीच में धोखा दे के भाग गया था, तो लू फेंग इतने आसानी से तो इसका ऊपर वापस से भरोसा नहीं करने वाला था। फिलहाल के लिए तो लू फेंग ने ये डिसाइड कर लिया था कि सबसे पहले वो मिलिट्रिकल कैंप के अंदर जाएगा और सबसे पहले एक बॉडी की कीमत देखेगा, क्योंकि जो एक बॉडी है उसकी जो कीमत है वो 10,000 मिलिट्रिकल क्रेडिट्स की है। वो पहले देखेगा कि 10,000 मिलिट्रिकल क्रेडिट्स के अंदर कितने ट्रू ट्रेजर्स आते हैं, और उसके बाद वो जाके वही के पास जाएगा और ट्रेड करेगा, और फिर वो 10,000 मिलिट्रिकल क्रेडिट्स के बदले में जो वही से ट्रेजर्स लेगा वो डेफिनेटली इतने ट्रेजर्स लेगा जिनकी कॉस्ट जो होगी वो 10,000 मिलिट्रिकल क्रेडिट से ज़्यादा होगी, और डेफिनेटली वो उसे देने के लिए मान भी जाएगा क्योंकि ये उसके लिए एक लाइफ सेविंग अपॉर्चुनिटी होगी। क्योंकि अगर वो लू फेंग से डेड बॉडी नहीं लेता, मतलब वो मिलिट्रिकल क्रेडिट्स नहीं लेता, तो डेफिनेटली उसका मरना तय है, तो अपनी जान पे आ जाए तो बंदा क्या क्या देने के लिए ना तैयार हो जाए। अगर उसे एक किडनी भी काट के लू फेंग को देनी पड़े तो वो दे ही देगा, क्योंकि एट द एंड उसे अपनी जान बचानी है, उसे सर्वाइव करना है। हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था जो 9 स्मोक मार्च की आर्मी थी वो ऑलरेडी जा चुकी थी। जुआयू माउंटेन के काफ़ी सारे जो लोग थे वो अभी भी फॉरेस्ट के अंदर छुप के बैठे हुए थे कि अगर अचानक से लड़ाई लग गई तो ये लोग थोड़ा बहुत फाइट कर सके, लेकिन लगभग लगभग ये जो वॉर इनके बीच में इतना लंबे टाइम से चल रहा था वो ख़त्म हो ही चुका था, लगभग 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 क्या पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। इसी के साथ वो जो कैप्टन था वो इस वक्त कूफा और यूलाओ के तरफ जा रहा था, क्योंकि वो डेफिनेटली जानता था कि जो कूफा और यूलाओ है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वॉरियर्स है, तो उन लोगों के पास थोड़े बहुत मिलिट्रिकल क्रेडिट्स तो होंगे। तो जो कैप्टन था वो सोच रहा था कि कूफा और यूलाओ के साथ फाइट करके वो उनके मिलिट्रिकल पॉइंट्स को छीन लेगा या फिर उनसे डेड बॉडीज़ को छीन लेगा, क्योंकि लू फेंग के साथ फाइट करने की तो इनमें से किसी के अंदर औकात नहीं थी, तो डेफिनेटली ये इजियर टारगेट को पकड़ेंगे। और रही बात कूफा और यूलाओ की, तो उन लोगों के पास भी इतने ज़्यादा मिलिट्रिकल पॉइंट्स नहीं, लेकिन इतने मिलिट्रिकल पॉइंट्स तो है कि वो अपने आप को जिंदा बचा सकते हैं।
इसी के साथ जो लू फेंग होता है वो फाइनली अपने दोस्तों को बाय कहता है और वो ऐसे निकल जाता है। और रही बात उसके वो जो मिलिट्री कल्प वाले दोस्त, मतलब जो कि उसके साथ मिलिट्री कैंप के अंदर से आए थे, उन सब लोगों के लिए तो घंटा भी लू फेंग को कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो तो अभी भी कुत्ते बिल्लियों की तरह अपने लिए मिलिट्री कल्प पॉइंट या फिर डेड बॉडीज़ को ही ढूंढ रहे थे। उनका मिशन अभी भी कम्प्लीट नहीं हुआ था, लेकिन जो लू फेंग था वो ऑलरेडी अपना मिशन कम्प्लीट कर चुका था, तो उसे घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता था और लू फेंग इस वक्त आर्मी के अंदर जा चुका था। गाइस तो ये जो आज का वीडियो है ये यहीं तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। अभी आप लोग बहुत लोग बोलोगे हाफ एन आवर का वीडियो क्यों डाला, तो थोड़ा सा लेट हो रहा था गाइस, ऑलरेडी 12:30 के करीब का टाइम हो चुका है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं इससे ज़्यादा टाइम तक भी जाग के वीडियो बना सकता हूँ, बस दिक्कत आप में से उन लोगों को है जो लोग अभी भी मेरे वीडियो का वेट कर रहे हैं। वैसे तो मैंने पोस्ट डाल दिया था कि वीडियो आने में लेट हो जाएगा, लेकिन स्टिल काफ़ी सारे लोग अभी भी वेट कर रहे हैं, और मैं अभी नहीं चाहता कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे वीडियो के लिए वेट कर लिया है उन्हें मेरा वीडियो 3-4 बजे के करीब देखने के लिए मिले, तो तब तक तो वो सो ही जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो हाफ एन आर का वीडियो मैं अभी डाल रहा हूँ, और बाकी हाफ एन आर का वीडियो मैं आप लोगों को सुबह दे दूँगा आज का, तो टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो कल सुबह 12 बजे से पहले मैं वीडियो डाल दूँगा बाकी के हाफ एन आर वाला। तो फिर मिलते हैं फिर कल के टाइम, तो तब तक आप आज के लिए मतलब अभी के लिए फ़िलहाल ये हाफ एन आवर के वीडियो से काम चला लो, बाकी वीडियो आपको कल सुबह दे दूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कमेंट सेक्शन में बता देना कैसा लगा आपको वीडियो, और मैं काफ़ी अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ डिटेल के अंदर, क्योंकि ठीक ठाक रिस्पॉन्स मेरे को पिछले वीडियो में देखने के लिए मिला, भले व्यूज़ कम थे लेकिन वॉच ड्यूरेशन ठीक ठाक अभी निकल के आ रहा है। गाइस देखिए मेरे को है ना व्यूज़ से कोई इतना ज़्यादा लालच नहीं है, अगर 6,000 सब्सक्राइबर है और 1,500 लोग भी अगर मेरे को देख रहे हैं तो मैं खुश हूँ, मोर देन इनफ खुश हूँ, क्योंकि 1,500 लोग लॉयल्टी के साथ मेरे को देख रहे हैं। लेकिन अगर वो 1,500 लोग भी गद्दारी करते हैं ना तो फिर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि गाइस पिछले जो वीडियोज डाल रहा था ना उसके अंदर 6-7 मिनट का वॉच टाइम आ रहा था, मतलब 6-7 मिनट, मतलब 1-1 घंटे के वीडियो बनाते हो और आप लोग 6-7 मिनट तक ही देखते हो, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी। वो अभी फिर भी मतलब 15-20 मिनट तक चला गया एवरेज वॉच टाइम, जो कि ठीक ठाक है। तो बाकी तो और कुछ नहीं बोलूँगा, जितना अच्छा आप दिखाओगे उतना ही अच्छा मैं भी आपको सामने से बन के दिखाऊँगा, क्योंकि डेफिनेटली जहाँ पे मुझे अपना फ़ायदा होते हुए दिखेगा वहाँ पर मैं कभी भी पीछे नहीं हटने वाला। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ज़्यादा बकवास नहीं करने वाला, तो बाय बाय, गुड नाइट।